अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इन्फो डायरी। क्या हाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो ये हमारा जो है वो बाग है पीछे। खैर, अभी तो इसकी हालत बहुत ख़राब हुई है, इंशाल्लाह इसको भी जो है वो साफ़ करेंगे। तो अभी जो है वो हमारे पीछे कुछ परिंदे रखे हुए हैं, जिनमें जो है मुर्गियाँ हैं हमारे पास, उनके खाने का टाइम हो गया है, अभी उनको डालते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का दिन। अच्छा, ये हमारे केज बने हुए हैं, जिसमें जो है हमने मुख्तलिफ नस्ल की जो है मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और इनको जो है हम लोग इधर बाहर खोलते होते हैं। चलें, इस टॉपिक पे जो है फिर कभी वीडियो आज बनाएंगे। की वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो ये है कि आज इससे पहले आपने जो है मेरी दो वीडियोस में जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये देखा होगा। तो आज का सरप्राइज़ ये है कि हम जो है इसी पहाड़ पे जा रहे हैं। मैं अपने कज़न को लेता हूँ और फिर उसके साथ जो है जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने जो है दो जिंगर बर्गर का ऑर्डर दे दिया इशफाक भाई को। आज जो है हम लोग साथ जिंगर बर्गर लेके जाएंगे ऊपर, वो खाएंगे। आज हमने अपना कोई सेटअप नहीं किया हुआ। अच्छा, अभी हमारे बर्गर तो तैयार हो गए, अभी फिर हम लोग ये लेके निकलते हैं। शाकिब, फिर मिलेंगे आपको किसी दिन, आपके साथ एक चैलेंज करेंगे आप लोग, ठीक है? चलें, शुक्रिया। ये सामने जो आपको मदरसा नज़र आ रहा है, जो हमारे घर से भी नज़र आता है, अभी हम इसके करीब पहुंच गए हैं। तो अभी ये ऊपर से जो है मेन रोड शुरू हो गया है। इस सामने जिधर बड़ा बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके नीचे से जो है रास्ता जाता है सरबन के पहाड़ का। ये जो है मेन रोड है, ये हवेलियाँ से आता है और ये अब डबार शहर की तरफ जाता है। अभी हम लोग, ये सामने आपको मदरसा नज़र आ रहा है, ये रास्ता जो है सरबन के पहाड़ की तरफ जाता है। वैसे तो यहाँ पे बाकायदा रोड बने हुए, गाड़ियाँ जाती है, लेकिन हम लोग एडवेंचर करने के शौकीन हैं, तो आज जो है हम लोग पैदल ही चढ़ेंगे, हाइकिंग करेंगे इस पहाड़ के ऊपर। चढ़ाई आप देख सकते हैं, गाड़ी जो है आधे में रुकी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी चढ़ाई होगी। जो आपको दो टावर नज़र आ रहे हैं ना, जो हमारे घर वाली तरफ से भी नज़र आते हैं, ये वही दो टावर हैं। और इस पहाड़ की आप फ्रंट साइड पे देखें बिल्कुल भी आबादी नहीं है, लेकिन बैक साइड पे देखें कितनी आबादी है। ये सारा पहाड़ चढ़ने के बाद जो है हम लोगों ने उस सामने टॉप पे जाना है, वो हमारा जो है लास्ट पॉइंट है। और ये दूसरी साइड आ गई अपने बाद की, सारा मेन सिटी आपके नीचे नज़र आ रहा है। चले, यहाँ से तो अभी सही व्यू नहीं मिल रहा हमें, अभी ऊपर जाते हैं, वहाँ से आपको सही व्यू दिखाते हैं। तो अभी आप हाइट चेक करें, हम लोग कितनी हाइट पे आ गए हैं। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियो में जो है आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, तो आप ये भी देखें कि हम लोग कैसी जगह पर जाते हैं, और हमारा जितना भी व्लॉग होता है वो पैदल ही होता है। तो जब आप ऐसी चढ़ाइयाँ चढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस जगह पे कैसे सांस फूलता है। अच्छा, इससे हमने आपको मशीन लगी हुई नज़र आ रही होगी, यहाँ पे जो है काफ़ी इस पहाड़ पे प्लाटिंग हो गई है, और इसकी वजह यह है कि शहर में जो है अब जगह बहुत कम हो गई हैं, तो लोग अभी आस्ता आस्ता पहाड़ की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अभी हम जितने भी चढ़ाई चढ़ते हुए आए हैं ऊपर, काफ़ी जगह पर जो है वो मशीनें लगी हुई थी। अभी जो है यहाँ पर घने दरख्त शुरू हो गए हैं, इससे नीचे जो है काफ़ी नीचे से आबादी ख़त्म हो गई थी। अब यहाँ से जो ऊपर है वो सारा पहाड़ी है, बहुत दूर दूर जो है वो लोगों के घर बने हुए हैं। अभी आप इस जगह पे दरख्त देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, दरख्तों के बीच में से आपको शहर का जो है वो व्यू भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, यहाँ पे लोग जो हैं अभी भी घोड़ों और गधों का इस्तेमाल करते हैं सामान ऊपर नीचे पहुँचाने में। इस पहाड़ पे तो मोड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी हम जो है अपना सफ़र आसान करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए जो है पहाड़ से थोड़ा सा चढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम लोग मोड़ ही चढ़ते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें टॉप पर पहुँचने के लिए। अभी इस जगह से चढ़ते हैं, देखें वो सामने लोग भी ऊपर जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे।
ये सामने से जो है अभी हम लोग चढ़ के आए हैं, देखें कितनी ख़तरनाक चढ़ाई है। फिर भी आप लोग बोलते हैं आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। चलें अभी अपना सफ़र जारी रखते हैं क्योंकि मौसम जो है वो मुझे ख़राब नज़र आ रहा है, बारिश ना हो जाए, क्योंकि हम लोग जो है वो साथ छतरियां भी नहीं लेके आए हुए। अभी आप देखें अहमदाबाद का व्यू दरख्तों के बीच में से। अभी हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उतना ही खूबसूरत व्यू हमें मिलता जा रहा है। अभी आप इस जगह पे उतराई चेक करें कैसी उतराई है। ये जो अभी हमें सामने से जंगल नज़र आता है ना हमारे घर से, अभी हम वो जगह क्रॉस कर रहे हैं, आप वो दरख्त नज़र आ रहे होंगे। अब नीचे मोड़ दें कितने ज़्यादा हम लोग चढ़ के ऊपर आए हैं, हमें याद ही नहीं था कि हम लोग साथ पानी भी लाए हुए हैं। अभी हम लोग पानी पीते हैं और फिर यहाँ से आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये सामने आपको जो जगह नज़र आ रही है यहाँ से जो है हम आपको व्यू दिखाएंगे अहमदाबाद का, और फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये जो आपको रास्ता बैक साइड पर जाता हुआ नज़र आ रहा है ये निकक्की की तरफ जाता है, और ये भी आप देखें हम लोग कितनी हाइट पे आ गए हैं। इस हाइट पे जो है वो शिमला हिल हमसे नीचे रह जाती है। हम लोग टॉप पे तो पहुंच गए थे, तो अभी हमने जो है एक खामोशी वाली जगह ढूंढ ली है। आप चेक करें कितनी खामोशी है। हमने क्या यहाँ पे हमारा जो बर्गर साथ लाए हुए थे ये खा रहे हैं, तो फिर यहाँ से आगे हम लोग आगे दिखाते हैं आपको सारा कुछ। असल व्यू पॉइंट है वो सामने नीचे जो आपको नज़र आ रहा है। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। पहले जब हम लोग आए थे काफ़ी टाइम पहले, उस वक्त सारा कच्चा रास्ता होता था, अभी तो बाकायदा रास्ता बना दिया और पक्का भी है ये रास्ता। अभी आप व्यू देखें अहमदाबाद का, ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ग्रीन, ये हॉकी ग्राउंड है अहमदाबाद की, और ये जो आपको खुश ग्राउंड नज़र आ रही है ना ये सामने, ये पुलिस लाइन ग्राउंड है, और इसके साथ ही आगे आपको जो इमारतें बनी हुई नज़र आ रही हैं ये सारे पुलिस हेडक्वार्टर हैं, पुलिस लाइन वाला एरिया है सारा। ये सामने शिमला हिल आ गया। पहले तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता होता था, लेकिन अभी इस जगह पे प्लाटिंग हो गई, आगे कोई घर बन रहा है पता नहीं क्या है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो व्यू यहाँ से ख़त्म हो गया। इस सामने जो आपको लबैक लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये हमारे घर वाली तरफ से भी जो है नज़र आता है, ये देखें आप। एक इस तरफ लिखा हुआ है, ये सामने वही छोटा वाला पहाड़ है जो हमें फ्रंट साइड से नजर आता है, और ये सामने आपको पुलिस लाइन मस्जिद दिखाते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है ये सामने ये पुलिस लाइन मस्जिद है, और इस तरफ आए तो ये आपको सामने हाई कोर्ट नज़र आ रही होगी अहमदाबाद की। ये सामने जो है हॉकी ग्राउंड के साथ आगे शहीन चौक है, और ये रेड बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है ना ये रेस्क्यू 1122 वालों का ऑफिस है।
और ये जो आपको नीचे गाड़ियां नज़र आ रही हैं, ये अहमदाबाद का मेन अड्डा है, जहाँ से नीचे वाले इलाकों की तरफ जो है वो गाड़ियां जाती हैं, नवेलियां, पिंडी, इस्लामाबाद, हरिपुर, और वहाँ से भी आगे लाहौर हो गया, पेशावर, सारी गाड़ियां इधर से जाती हैं। इस सामने आपको ग्रीन चादरों वाली जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हमारा कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1। और ये सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है ना, ये आर्मी वालों की मस्जिद है, जो बिल्कुल मंडिया रोड के साथ जुड़ी हुई है। इस सामने आपको एक पुल नज़र आ रहा होगा, ये मोटरवे का पुल है, और ये इसका जो एंड है, यहाँ से जो है आगे मोटरवे टनल शुरू हो जाती है, जो सी पैक की लंबी तरीन टनल्स में शुमार होती है, ये वाली टनल। चलें अभी जाते हैं और ऊपर, देखते हैं वहाँ से हमें कैसा व्यू मिलता है। अभी हम वो सामने से ऊपर आए हैं, और सामने आप गांव देखें, पीछे पहाड़ों पे छोटे छोटे गांव बने हुए हैं, और अभी हमने ये पहाड़ भी जो है वो चढ़ना है। और ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इस जगह पे पीछे आर्मी वालों का रेडार लगा हुआ है, ऊपर जा के आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग ऊपर जा रहे थे तो एक ये बिल नज़र आई है, अब पता नहीं ये बिल किस चीज़ की है, ये देखें आप, नीचे तक जा रही है ये, मेरे हिसाब से यहाँ पे सेग होती हैं शायद उनकी है ये। और असर का टाइम हो गया, असर की अजानें शुरू हो गई हैं, काफ़ी हाइट चढ़ने के बाद हम लोग जो है अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। ये देखें बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाले हैं हम लोग, अभी जो है हम लोग सही जो सरबन का टॉप है उस जगह पे हैं। यहाँ से अब अहमदाबाद का व्यू तो नहीं नज़र आता क्योंकि सामने वाली तरफ काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये रेडार लगा हुआ है आर्मी वालों का। ये मस्जिद है, कितनी खूबसूरत लग रही है रोड देखें कैसे बना हुआ है, और इसकी आप हाइट से अंदाज़ा लगें। ये सामने जो आपको जीप नज़र आ रही है, ये बहुत ज़्यादा स्लो, आस्ता आस्ता बिल्कुल आराम से जो है ऊपर जा रही है। इस जगह से आपको चढ़ाई का पता चलेगा कि यहाँ के रोडों की चढ़ाई कितनी ज़्यादा है। ये सामने जो आपको गांव नज़र आ रहा है ना, ये नगकी का गाँव है, इस जगह पे इतनी ज़्यादा खामोशी है, आसपास जो घरें हैं वहाँ से जानवरों की जो है वो आवाज़ें आ रही हैं, किसी जगह से जो है वो मुर्गियों की आवाज़ें आ रही हैं, और किसी जगह से बकरियों की, बहुत पुरसकून जगह है ये। ऐसी जगह पे जो है आने से हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, लिहाजा हमें ऐसी जगहों को जो है वो डिस्कवर करना चाहिए, ऐसी जगहों पर आना चाहिए हमें। सामने जो आपको बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे मरी और अरयूबिया के पहाड़ हैं, और इस तरफ जो पहाड़ हैं ये ठंडियानी और नथिया गली के पहाड़ हैं। ये आप नीचे गांव देखें, कितना खूबसूरत गांव है, इस वक्त आपको सनसेट दिखा था लेकिन आज मौसम ज़रा ख़राब है, इस वजह से सनसेट जो है नज़र नहीं आ रहा हमें, लेकिन सामने देखें बादलों से सूरज की रोशनी कैसे नीचे आ रही है। चलें अभी वापसी करते हैं अपने, ये जो है सरबन का टॉप है, इस जगह पे हम लोग पहले कभी नहीं आए थे। अब सनसेट देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी काफ़ी बादल है लेकिन उसके बाद भी जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा सनसेट। ये आपको
गोबर की जो है गोगियाँ नज़र आ रही होंगी। ये गांव का कल्चर है, ये लोग जो है जो इनके पास जानवर होते हैं उनकी जो गोबर होता है ना, उनको इस तरह सुखाने के लिए मुख्तलिफ पत्थरों के साथ दीवारों के साथ लगा देते हैं, और जब ये सूख जाता है तो फिर इसको जो है वो आग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये पहले भी देखी है लेकिन इतने बड़े साइज़ की नहीं देखी थी, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। मेन रोड पे आ गए, यहाँ से आप चेक करें अबटाबाद की खूबसूरती। ये खेत है नीचे और ये सनसेट है, चेक करें कितनी खूबसूरत गांव है ये वाला। अच्छा, वही जगह आ गए जहाँ से हमने आपको बताया था कि नगक्की का रास्ता इस तरफ मुड़ता है और जो हमारा व्यू पॉइंट है उस तरफ आता है। अभी ये वही जगह आ गई है, हम लोग उस सामने वाले रास्ते से गए थे और अभी इस पहाड़ की बैक साइड से घूम के इस तरफ से आए हैं। ये सारा पहाड़ जो आपको नज़र आ रहा है, इस पहाड़ की हम बैक साइड से होके इस तरफ से हम लोग जो हैं वो वापस आए हैं। हम लोग जिस रास्ते से ऊपर चढ़े थे उसी रास्ते से जो है अभी वापस जा रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग छोटे वाले पहाड़ पे हैं जहाँ पे दो टावर लगे हुए थे, उनमें से एक टावर ये है, की हाइट काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ जो छोटा टावर था वो सामने वाला है, और ये सामने वाली जगह यहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग जाए ये सामने सरबन का जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे गए थे, अभी यहाँ से जो है वापसी हुई है। अभी हम लोग छोटे वाले पहाड़ पे इस वक्त खड़े हुए हैं, इस तरफ जो है वो हमारा घर आता है। यहाँ से तो काफ़ी घर नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई एक हमारा घर है, और ये जो आपको रेड कलर का एक टावर नज़र आ रहा है हमारे घर के जो पास टावर लगे हुए, ये वाला टावर है। यहाँ से देखें पुलिस लाइन मस्जिद सही साफ नज़र आ रही है ये, और इस जगह से जो है हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। इस आबादी से होते हुए हम लोग मेन रोड पे आए थे और फिर यहाँ से ऊपर आए हैं। अभी आप देखें अहमदाबाद का व्यू, यहाँ से जो है बिल्कुल सारा अहमदाबाद जो है वो नज़र आ रहा है। ये मेन रोड जा रहा है सीधा। जो आपको मैंने ऊपर से कॉलेज दिखाया था ना, उसकी बिल्डिंग यहाँ से जो है बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, यहाँ से देखें आप। और ये बीच में जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये कुंज ग्राउंड है अहमदाबाद में, फुटबॉल का मशहूर ग्राउंड है, इस जगह पे फुटबॉल के टूर्नामेंट होते हैं। ये हॉकी ग्राउंड आ गया, और ये सामने जो ग्राउंड है ये पुलिस लाइन ग्राउंड है। सारा पहाड़ चढ़ने के बाद अभी हमारी वापसी हो गई है। ये सामने जो है मेन रोड आ गया, तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी जो है क्लिक कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।